पंचनामा बहुत रिलेटेबल फिल्म है, काफ़ी लोगों ने प्यार का पंचनामा 1 को सराहा था। आई थिंक प्यार का पंचनामा 2 के साथ जब से ट्रेलर आया एक पॉजिटिव वाइब फैली हुई है, सब लोगों को पसंद आ रहा है जो वो लोग देख रहे हैं, चाहे वो गाने हो, ट्रेलर हो, उसके डायलॉग्स, डायलॉग प्रोमोज हो। तो नर्वस तो थोड़ी सी जिटरी फील तो होती है जब रिलीज होती है, बट उसके अलावा कॉन्फिडेंट बहुत हूँ फिल्म को लेकर, बिकॉज पता है कि फिल्म क्या है। एंड या एक्साइटेड हूँ, 16 अक्टूबर जल्दी आ रहा है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर की बात की तो ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन जो गाने हैं, जो भी गाने काफी हिट हो चुके हैं, तो गाने के जी बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से पार्टी सॉन्ग है पूरा। जी एक गाना था शराबी, वो तो इनफैक्ट मतलब पहले वो फिल्म में जब गाना आ रहा था तो उसकी भी एक कहानी ये थी कि सर जो डायरेक्टर है लव सर, वो गाना सुनने के बाद ये सोच रहे थे कि मेरे सामने जानबूझ के या तो नाटक कर रहे थे या क्या था पता नहीं, बट ये वाली चीज़ कर रहे थे कि यार मैं इस गाने को लूँ, रखूँ, नहीं रखूँ, कौन से वहाँ पे फिट होगा या नहीं होगा। तो मेरा फाइनली बर्थडे था जब बर्थडे मन रहा था, एंड मतलब उन्होंने ये एज अ बर्थडे गिफ्ट मेरे को बोला कि ये शराबी तेरे को मैंने बर्थडे गिफ्ट पे इस फिल्म में दिया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि शराबी गाना फिल्म में हुआ और इतना वर्क कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। उसके अलावा पारो गाना है जो हितेश सर ने, हितेश सोनिक सर जो म्यूजिक डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने कंपोज किया है वो गाना। वो काफ़ी फैंटेसी वर्ल्ड और कार्निवल टाइप ऑफ गाना है, बॉस्को सर ने उसको कोरियोग्राफ किया एंड काफ़ी अच्छा है वो गाना। तो अभी इनफैक्ट चल काफ़ी रहा है, लोगों के बीच में बहुत सुन रहे हैं। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जो अगर आप पूछेंगे वो हीरे है, मोहित चौहान जी ने वो गाना गाया और वो हम लोगों ने क्या बोलते थाईलैंड में गाना शूट किया था। एंड उसकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज है, काफ़ी सोलफुल और पीसफुल सॉन्ग है। तो वैसे तरीके के गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो ये सारे गाने हैं फिल्म के। एंड इसके अलावा भी हैं दो गाने जो आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे फेवरेट वन हीरे मेरा फेवरेट गाना है फिल्म में से। अच्छा, क्या पंचनामा 1 की बात करें, पंचनामा 2 की, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? टू का टू लगा दिया जाए नहीं, इसके अलावा जोक्स अपार्ट, प्यार का पंचनामा 1 और प्यार का पंचनामा 2 में थीम सेम रखी है दोनों फिल्मों में, कि लड़कियां जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उसमें उनकी कैसे लगती है लड़कों की, एंड फनी टेक है रिलेशनशिप्स में। लड़कियां आपकी शॉपिंग कराती हैं, पैसे, कार्ड हमेशा आपका खर्च होता है, आपका यूज़ होता है, आपको ट्रायल रूम्स में आपको बाहर खड़े रखती हैं, आप उनका बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक लड़का होता है, आपको कभी ऐसी बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलती। ये ऐसी सिचुएशन बहुत है जो बहुत रिलेटेबल चीज़ें हैं जो प्यार का पंचनामा 2 में यूज़ की गई है। प्यार का पंचनामा 1 में काफ़ी चीज़ें थी जो उन कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई गई थी जो उनके साथ हो सकता था वो दिखाया था, ये कैरेक्टर्स बहुत नए हैं, इनके साथ ये जर्नी में कैसे प्यार का पंचनामा होता है वो नए कैरेक्टर्स की जर्नी है, तो उसमें वो चीज़ बहुत डिफर करती है दोनों। अच्छा, प्यार के पंचनामा 1 की बात करें, उसमें आपने मोनोलॉग किया था 5 मिनट में, जी इसमें भी आपने किया है 10 मिनट को, तो कहना चाहेंगे किस तरह से कुछ मेहनत किया था उसके लिए, जिस तरह से जो प्यार का पंचनामा 1 और USP रहा जो आपका मोनोलॉग है, तो जी प्यार का पंचनामा के साथ मोनोलॉग बहुत बड़ी तरीके से अटैच्ड है, बहुत बड़ा डायलॉग था, बहुत लंबा डायलॉग था और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था। जो लव सर है उन्होंने ही लिखा था, डायरेक्टर है, एंड काफ़ी रिलेटेबल डायलॉग है, तो उससे लोग इंस्टेंटली कनेक्ट किए थे जब वो आया था, वो हर जगह वायरल हो गया था और मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ी से वो सबके फोन्स में आ जाएगा, सब लोग उसको शेयर करने लगेंगे। फेसबुक भर चुका था जब 2011 में वो 10 में जब वो आया था मोनोलॉग, तो मैं बहुत खुश था। अभी ये प्यार का पंचनामा 2 में भी एक मोनोलॉग है एंड वो भी काफ़ी इतना ही फनी है, एंड आई एम श्योर लोग उसको भी इतना ही रिलेट करने वाले हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स उसमें देखने वाले हैं कि ये मेरे साथ भी होता है। तो ये और उसमें मैं यही बोलूँगा कि USP है, डेफिनेटली USP है ये फिल्म की, एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट डायलॉग इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड आई थिंक, एक जो सिंगल शॉट है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, अभी तक कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेकर क्योंकि इतना फनी है वो और हर हर पंच पे हंसी आने वाली है, तो डिफिकल्ट होता है लेकिन वो चीज़ को आप जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आप एक भी फंबल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और वापस वहाँ से रिपीट करना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो परफॉर्मेंस होती है जो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप परफॉर्म अगर आपको करना है उस चीज़ के लिए तो हर लाइन पे आपका एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना रहना चाहिए कि आप परफॉर्म कर पाए।
तो वो बहुत सारी चीज़ें मोनोलॉग से अटैच रहती हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं पहली बारी में कर पाया, सेकंड बारी में अभी तक कर पाया हूँ जो आप देखने वाले हैं। अच्छा प्यार का पंचमा वन की बात करें, टू में भी आप नजर आ रहे हैं, वन में भी आते हैं, मतलब टू में जो आप ऐसे आर्टिस्ट जो कि वन के जो टू में आ रहे हैं, तो कुछ आप इसे किस तरह से देखते हैं? मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं प्यार का पंचनामा टू का भी हिस्सा हूँ और वन का भी था एंड एक रिकॉल वैल्यू प्यार का पंचनामा से अटैच होती है। अगर आप मेरे कैरेक्टर या हम सबके कैरेक्टर्स उसमें बहुत फेमस हुए थे, लेकिन एक बाबू वाली जो चीज़ थी या एक मोनोलॉग वाली जो चीज़ थी वो बहुत रिलेट किए थे लोग उससे, तो वो रिकॉल हो जाता है प्यार का पंचनामा टू के साथ। एंड मतलब आपको मेरे अभी छोटी सी जर्नी स्टार्ट हुई है और उसमें मेरे साथ एक फ्रेंचाइजी एसोसिएट हो गई है प्यार का पंचनामा, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है एंड आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा हुआ है मेरे साथ एंड प्यार का पंचनामा टू थ्री फोर ऐसे ही चलता रहेगा। दो दिन पहले जो रैली निकाला था वो भी वन ऑफ इट्स काइंड था, ऐसे कभी रैली वैली निकाली नहीं किसी फिल्म में। और वो फनी चीज़ थी कि मार्केटिंग वाली जो टीम थी हमारी, उन्होंने सोचा कि एक आंदोलन सा निकालते हैं कि लड़कियां जो हमें गिफ्ट देती हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स देती हैं, या लड़कियां हमें टेडी बियर्स जो बोलती हैं कि हमें गिफ्ट करो या हमें दे देती हैं कि उसके साथ सो, उनको हम लोग फाड़ देंगे, उनमें हम आग लगा देंगे और सब लोग हाय हाय करते हुए मतलब स्लोगन्स लेके घूम रहे थे। तो क्या कर रहा नीचे, क्या हुआ, रिस्टार्ट क्या, वहीं से वापस से आपको चाहिए कंटिन्यू कर लूँ नीचे यार, रोल कहाँ से चाहिए? नहीं मोहब्बत मुक्ति मोर्चा। तो वो एक मोहब्बत मुक्ति मोर्चा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जो मार्केटिंग टीम ने डिसाइड किया था। बहुत फनी सी स्ट्रैटेजी थी कि लड़कियां जो आपको टेडी बियर्स गिफ्ट देती हैं या ग्रीटिंग कार्ड्स गिफ्ट देती हैं वो कैसे मतलब हमें इतने पसंद नहीं आते लेकिन हमें फिर भी अपने पास रखने पड़ते हैं, हमारा बर्थडे गिफ्ट हमेशा ये सारी चीज़ों से एसोसिएटेड रहता है। और तो वो चीज़ों को ऐसा था कि हम लोग मोहब्बत मुक्ति मोर्चा में जाके जलाएंगे, टेडी बियर्स को फाड़ देंगे और ग्रीटिंग कार्ड्स फेंक देंगे, तो ये सारी चीज़ें करने की बहुत एक स्ट्रैटेजी थी। एंड वो प्यार का पंचनामा की थीम के साथ जाता है कि पंचनामा हो रहा है प्यार का, तो काफ़ी फनी था, मज़ा आया कि वो मतलब माइक ले ले के आप चिल्ला रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है लड़की है, तो ये सारी चीज़ें जब कर रहे थे तो फनी लग रहा। अच्छा जो क्राउड जमा तो एक्सपेक्टेशन था उतना, कितनी क्राउड आएगी? नहीं एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था कि इतना क्राउड है, हमें एक्चुअली लगा था कि सिर्फ ये जलाने वाले टेडी बियर को और ये सारी चीज़ें करने वाले, लेकिन उसके अलावा ये जो क्राउड इतना गैदर्ड था वो नहीं पता था हमें। और सब लोग के हाथ में कुछ ना कुछ स्लोगन था, किसी के हाथ में कुछ पता नहीं, किसी के हाथ में खुद का टेडी बियर लेकर आ गए थे, कोई ग्रीटिंग कार्ड लेकर आ गए थे, सब ने कुछ ना कुछ जलाया सब भरे बैठे हैं क्या है, बट वो बहुत फनी था, काफ़ी फनी था वो इंसिडेंट। अच्छा कभी आप इसके शिकार हुए जैसा कि आपको किसी को गिफ्ट देना है मतलब हम लोग सब सबके साथ हुआ यार, मेरे साथ भी हुआ, रिलेशनशिप्स में रहा हूँ पहले एंड शुरू शुरू में हर चीज़ ऐसा लगता है कि वो भी इंटरेस्ट लें आपकी लाइफ में, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कब इंटरफेरेंस बन जाता है वो आपको नहीं पता लगता एंड तो वो हुआ है, मैं भी शिकार हुआ हूँ। अच्छा फिल्म की बात करिए, जब आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुंबई तक के सफर के बारे में बताएं, किस तरह से फिल्मों में आना हुआ, किस तरह एक्टिंग की शुरुआत की आपने? यार काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, मतलब ग्वालियर का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ से मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली के बाद मुंबई आया था, सब जगह मेरे को एक्टिंग ही करने का शौक चढ़ा हुआ था, मम्मी पापा को नहीं बताया था। मुंबई आया, मुंबई आने के बाद ट्राई करता रहा, 3 साल तक ऑडिशंस देता रहा इधर उधर, क्योंकि जानता नहीं था तो इंटरनेट पर ढूंढता रहता था कि ऑडिशंस कैसे मिले एंड फाइनली प्यार का पंचनामा का ऑडिशन एक ढूंढते ढूंढते कहीं पर मेरे को मिल गया था कि एक ऑडिशन हो रहा है एक फिल्म का एंड उसका ऑडिशन देने में चला गया, फिर 6 महीने तक ऑडिशन दिया और फिर प्यार का पंचनामा हुआ एंड तो हाँ मतलब एक जर्नी एक रही थी मेरी 3 साल की स्ट्रगल की, जब आप ऑडिशंस देते रहते एंड उसके बाद फाइनली एक आप क्लियर करते हैं जिसमें आप फिट रहते हैं कि यू आर फिट फॉर दिस रोल एंड वो जब आप सुनते हो आप, इससे बड़ी खुशी होती नहीं आपको। अच्छा फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरी फैमिली के साथ मैंने उनको बताया ही नहीं था मुझे एक्टिंग करनी है, तो काफ़ी अच्छा रहा, बिना बताए जब आप काम करते हो तो सही रह जाता है सब कुछ। जब मिला मेरे को एक्चुअली प्यार का पंचनामा का रोल जब मिला फाइनली, तब मैंने उनको बताया तो वो इजी हो गया कि वो सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद से हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। अच्छा नौबत है, पोस्टर देखा प्यार का पंचनामा 2 का, नौबत ऐसा कैसे आ गई कि गले में पट्टे तक डालने पड़े आपको? पहली वाली में भी थे,
पहली वाली में तो इनफैक्ट ऐसे कुत्तों की तरह खड़े हुए थे, इस वाली में एटलीस्ट सोफे पे बैठे हुए हैं और पट्टा ही लगा है बस और कुछ नहीं। तो वो तो थीम ही, वो लड़कियां ऐसा कर देती हैं, आपको पता नहीं होता लेकिन आपके अभी भी यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गले में पट्टा ही लगा हुआ कि अगर मैं रिलेशनशिप में घूम रहा हूँ तो। बट विच इज़ अ स्वीट थिंग इन इट्स ओन वे, मतलब आप उस चीज़ को आप चाहते भी हैं कि, और उस चीज़ को आप नकारते भी कि क्या है ये, क्या हो रहा है। सबसे बुरा हाल दिनों में से किसका हुआ कि हाँ मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया गया? पता नहीं यार, सबका हल ना सेम ही होता है, सबका हल बुरा ही हुआ है और सबके साथ वही प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, जो प्रॉब्लम्स है सबकी अपनी अलग अलग कैरेक्टर्स है तो उसके हिसाब से इतने इतने स्ट्रीमलाइन वो कैरेक्टर्स हैं कि आपको लगता है कि यार इसकी भी प्रॉब्लम बहुत बुरी है, मेरी भी बहुत बुरी है, इसकी भी बहुत बुरी है, तो वो प्रॉब्लम्स सबकी इक्वली बहुत बुरी प्रॉब्लम्स है बेसिकली। अच्छा आगे किसी स्टोरी पे काम करना चाहते, आपका कोई रहेगा यहाँ ऐसा स्टोरी मिले जिसमें मैं काम करना चाहूँगा, जैसे रोमांटिक स्टोरी हुआ, कोई आगे ड्रीम रोल मैं आपका कुछ ऐसा है? ये ड्रीम रोल तो बहुत फिल्मों के रहे हैं मेरे बेसिकली, अगर आगे भी करना चाहूँगा मैं एक्शन कॉमेडी फिल्म करना चाहूँगा, कॉमेडी कर ही रहा हूँ, आगे देखता हूँ रोमांस भी किया ही है तो आगे करूँगा और देखते हैं। एक कोई परफेक्टली एक चीज़ से जुड़ा नहीं रहना चाहता, कैरेक्टर्स कंटेंट ड्रिवन फिल्में करना चाहता हूँ बेसिकली, और कैरेक्टर्स ऐसे हों जो एक्चुअली कुछ दे रहे हो फिल्म को, या मेरे को ऐसा लग रहा हो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आ रहा हो करके, तो वो चीज़ देखी जाएगी। ड्रीम रोल मतलब यार बहुत सारे रोल्स रह चुके हैं, इनफैक्ट रॉक स्टार जो इम्तियाज सर की फिल्म थी वो वन ऑफ द मेरा फेवरेट रोल है, कि अगर कल को ऐसी कोई फिल्म बन रही हो तो करना चाहूँगा। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, 16 तारीख को फिल्म पर्दे पर आते, ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि प्यार का पंचनामा में आपने फिल्म बहुत डाउनलोड करके देखी थी, प्यार का पंचनामा 2 को डाउनलोड मत करना, थिएटर में जाके देखना उसको, आपने जो भी इतना सराहा है पहली वाली फिल्म को, आपको 2 भी जब आप थिएटर में देखने जाओगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखने जाना क्योंकि आप जो चाह रहे हो उनको सुनाना, वो हम लोग वहाँ पे थिएटर में सुना रहे होंगे और आपको खुशी होगी कि किसी ने तो कुछ बोला इनके अगेंस्ट। तो प्लीज़ प्यार का बजरंगा 2 को 16 अक्टूबर को देखने जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू।